तुर्की में सोमवार सुबह 4:17 पर भूकंप आया था। इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप का केंद्र गाजिया टेप के पास था। यह सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में सीरिया के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यह तुर्की में 100 साल में सबसे तीव्रता वाला भूकंप बताया जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के बाद 77 झटके लगे। इनमें से एक झटका 7.5 तीव्रता का था, जबकि 3 झटके 6.0 तीव्रता से अधिक थे। तुर्की में आए इस भयानक भूकंप से अब तक लगभग 8,000 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 35,000 लोग घायल होने की खबर है। इसके साथ ही लगातार शवों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। भूकंप की चपेट में आई तुर्की की लगभग 6,000 इमारतें मलबे में पूरी तरह तब्दील हो चुकी हैं, जबकि सीरिया में लगभग 4,000 इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। यहां 3 महीने तक इमरजेंसी लगा दी गई है और साथ ही 13 फरवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का भी ऐलान किया गया है। तुर्की के हालत इस समय बहुत नाजुक स्थिति में है। यहाँ की सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम बना दिया गया है। इस भीषण तबाही में बेघर हुए लोगों को तुर्की के 10,000 कंटेनर को शेल्टर बनाने की भी तैयारी की जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि अब तक 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हैं और भावुक होते हुए कहा कि यह तुर्की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आपदा है। तुर्की की मदद के लिए भारत ने भी अपनी 2 NDRF की टीम सहित राहत और बचाव की सामग्री भी भेजी है और लगातार तुर्की की मदद के लिए सभी देश आगे हाथ बढ़ा रहे हैं।